अभिनय के साथ साथ निर्माता के रूप में भी अनुष्का शर्मा सक्रिय हैं। अलग किस्म की कहानियों पर उनकी निगाह रहती है जिसे कम बजट के साथ वे बनाती हैं। NH-10 नामक उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी जिसे सराहना के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली थी। उत्साहित होकर अनुष्का ने फिल्लोरी नामक फिल्म बनाई है। कनाडा में रहने वाला कनन अपनी बचपन की दोस्त अनु के साथ शादी के लिए अमृतसर आता है। कुंडलियां मिलाई जाती है तो पता चलता है कि वह मांगलिक है। उपाय बताया जाता है कि पेड़ से इसकी शादी करा दी जाए। पेड़ से शादी होती है और बाद में पेड़ को काट दिया जाता है। इस शादी के बाद कनन की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। शशि का भूत उसे नजर आने लगता है। जिस पेड़ से कनन की शादी हुई थी उसी पर शशि रहती थी। शशि का मानना है कि अब उसकी शादी कनन से हो गई है, इसलिए वह अब कनन से बंध गई है। शशि की भी अपनी कहानी है। लगभग 100 वर्ष पूर्व पंजाब के एक गांव में वह एक गायक से प्यार करती थी। शशि की प्रेम कहानी का क्या हुआ, वह भूत कैसे बनी, कैसे कनन को इस भूत से छुटकारा मिला, इन प्रश्नों के जवाब फिल्म में मिलते हैं। अन्विता दत्त द्वारा लिखी गई इस फिल्म का निर्देशन अंशय लाल ने किया है। फिल्म की कहानी अच्छी है लेकिन स्क्रीन प्ले और प्रस्तुतिकरण में यह फिल्म कमजोर पड़ जाती है। इंटरनल तक फिल्म में कुछ भी नहीं बताया गया है कि यह सब क्यों हो रहा है। कुछ मनोरंजक दृश्यों के जरिए निर्देशक ने दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखने की कोशिश की है, लेकिन ये इतने दिलचस्प भी नहीं है। इंटरवल के बाद कहानी में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। शशि की प्रेम कहानी दिलचस्पी जगाती है लेकिन फिल्म को इतना लंबा खींचा गया है कि बोरियत भी पैदा होने लगती है। आखिर के 15 मिनट में फिल्म फिर संभलती है। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते और कंफ्यूजन भी पैदा होता है। निर्देशक के रूप में अंशय लाल फिल्म को संभालने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। कभी वे उम्दा गाने का सहारा लेते हैं, कभी उन्हें अभिनेताओं और सिनेमाटोग्राफर का साथ मिलता है, लेकिन फिल्म में निरंतरता नहीं बनी रहती। कहानी अतीत और वर्तमान में बार बार शिफ्ट होती रहती है और यह झटकों की तरह महसूस होते हैं। सकारात्मक पहलुओं की बात की जाए तो फिल्म में कुछ उम्दा सीन भी हैं। शशि की प्रेम कहानी अंत में अच्छी लगती है और उसके दर्द को महसूस किया जा सकता है। दम दम और साहिबा जैसे बेहतरीन गाने सुनने को मिलते हैं। शशि भूत के रूप में पहले सीन से ही पसंद आने लगती है। उसे भूत के रूप में जिस तरीके से पेश किया गया है वो सराहनीय है। अनुष्का शर्मा का अभिनय बढ़िया है। दिलजीत दोसांझ खास प्रभावित नहीं कर पाए। सूरज शर्मा ने तरह तरह के चेहरे बनाकर दर्शकों को हंसाया है। महरीन अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। फिल्म का संपादन ढीला है, सिनेमाटोग्राफी शानदार है। कुल मिलाकर फिल्लोरी टुकड़ों में अच्छी लगती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।